गुलबर्गा शहर में हिदायत सेंटर पर जमीयत इस्लामी हिंद की जानिब से संडे 19 मई को सहूलत सौहार्दा सहकारा संघ के नाम से बिना सूदी बैंक का इनॉग्रेशन किया गया है। इस मौके पर गुलबर्गा शहर के कई छोटे बड़े कारोबारी जमा हुए थे और लगभग 800 कारोबारी सोसाइटी के मेंबर बन गए हैं। इस सोसाइटी के जिम्मेदारों ने इनॉग्रेशन के मौके पर तमाम कारोबारियों को सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन समझाते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए हैं और तमाम जिम्मेदारों ने कहा जमात इस्लामी हिंद मुल्की सतह पर सहूलत सोसाइटी के नाम से कुल 112 ब्रांचेस ओपन कर चुके हैं, जिसमें कर्नाटका में कुल 11 मुकामात पर ब्रांचेस ओपन किए गए हैं और गुलबर्गा शहर में इस बिना सूदी बैंक का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें ज्यादातर छोटे कारोबारियों को फायदा हासिल हो सकता है। अगर आप भी सूदखोरी से परेशान हैं तो इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे खास बात, ये सोसाइटी सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, हर मजहब के कारोबारी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बिना सूद के लोन हासिल कर सकते हैं। मजीद इस सोसाइटी के जिम्मेदारों ने क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको तो मालूम है कि आज एक तारीखी प्रोग्राम कह सकते हैं गुलबर्गा में। ये सौहार्दा एक्ट के तहत हमने एक बिलासुदी सोसाइटी को कायम किया है और इस सोसाइटी में ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है, बल्कि हर कोई हमारे अपने उसूलों के मुताबिक इसका मेंबर बन सकता है। और गुलबर्गा में 800 से ज़्यादा अब तक मेंबर बन चुके हैं और एक दरअसल एक कारोबारी सोसाइटी है ये, और इसे इस्लामी उसूलों के मुताबिक अंजाम देने की भरपूर कोशिश हमारी जानिब से होगी। और आप देखेंगे कि जमात इस्लामी हिंद ने मुलगिर सतह पर सहूलत सोसाइटी के नाम पर जिसकी निगरानी वो कर रहा है, तो कर्नाटक के अंदर 11 मकामात तक अब तक हमने कायम किया है और मजीद लोगों को हम मुख्तलिफ मकामात पर आमदा करेंगे कि ये सौहार्दा एक्ट के तहत अपनी सोसाइटी को काम कर सके और इसके जरिए से कई लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसमें खास करके छोटे जो कारोबार करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा फायदा होगा, वो मेंबर बन जाते हैं तो हमारे अपने उसूलों के मुताबिक कर्ज का लेन देन होगा और ये कारोबार जो होता है ये अवाम के लिए, अवाम इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आज उसका इस्तेमाल गुलबर्गा के अंदर हो चुका। देखिए ये जो आज हमने सोसाइटी का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया है सहूलत सौहार्दा के नाम से, इस तरह की 60 कोऑपरेटिव्स या सौहार्दा सोसाइटीज इस मॉडल पर काम कर रही है, इंडस्ट्री मॉडल पर काम कर रही है और इसके जो है 112 ब्रांचेस 13 मुख्तलिफ स्टेट में है इस तरह के मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी शुरुआत है गुलबर्गा में जो एक बड़े मॉडल को रेप्लिकेट करने की बेसिकली एक्सरसाइज है यहाँ, और ये एक्सरसाइज इस बात के लिए है कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर के आया जाए, उनके अंदर बचत करने की आदत डाली जाए और उस बचत से उनकी जिंदगी में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी ह्यूमन डिग्निटी को सिक्योर किया जाए और फिर जब ये कोऑपरेटिव का साइज कुछ वक्त में थोड़ा और बड़ा हो तो फिर वो अपनी कारोबारी जरूरतों के लिए और अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए यहाँ से लोन और फिनांस हासिल कर सके और जो एक्सप्लॉयटेशन अनकन्वेंशनल मार्केट में यानी नॉन बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सप्लॉयटेशन है उस एक्सप्लॉयटेशन से हम लोगों को बचा सके। इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड जेंडर गुलबर्गा के लोगों को जिसका नाम राम हो या जिसका नाम रहीम हो दोनों को बराबर फायदा पहुंचा सके, इसी मकसद के लिए ये कोऑपरेटिव हमने बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। आज जो है ना सहूलत सोसाइटी गुलबर्गा का इफ्तिताह हुआ, जिसमें हमारे मेहमानान जो उसामा खान दिल्ली से आए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जो है ना सहूलत सोसाइटी इंडिया, और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ कन्नी साहब जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी कर्नाटका, और फिर उसके साथ साथ मोहम्मद रफीक अहमद साहब नाजिम इलाका जमात इस्लामी कलबुर्गी, और उनके साथ साथ मुस्तफा खान साहब लीडर से आए थे और बहुत से मेहमानान जो यहाँ इस स्टेज पर भी आए थे और फिर सामीन
कि बड़ी तादाद कम से कम एक 400-500 की तादाद शामिल की थी, तो मैं तमाम हजरात और मेहमानान का इस आज के इसके प्रोग्राम में जो आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस सोसाइटी का भरपूर जो है ना यहां की आवाम साथ देंगे और इस सोसाइटी को आगे लाने में उसको तरक्की देने में तमाम माविन मददगार भी बनेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं और हमारे यहां के शहर गुलबर्गा की आवाम से ना गुजारिश भी करता हूं कि इस सोसाइटी को आगे बढ़ाने में आप अपना पूरा तावन पेश करें, तावन इस कदर इस तरीके से कि इसके मेंबर भी बन जाएं। सिर्फ 1150 रुपये एक मेंबर की फीस होती है, आप उसके मेंबर भी बन जाएं और उसके साथ साथ अगर आपके पास फाजिल अमाउंट जो है ना रखी हुई है घरों में या बैंकों में या जायदाद भी रखी हुई है, उस अमाउंट को भी आप हमारे पास रख सकते हैं ताकि आप जब चाहें उस अमाउंट को हम जमा के ये वापस भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप दरख्वास्त दें और कई महीनों के बाद उस रकम को वापस कर, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब आप दरख्वास्त देंगे एक दो दिन में आपको इंशाल्लाह वो रकम भी वापस मिल जा सकती है। तो बहरहाल ये जो सोसाइटी का जो प्रोग्राम रखा गया था ये तमाम छोटे मोटे ताजरों को फायदा पहुंचाने की गरज से बिलासुदी सोसाइटी का जो है ना प्रोग्राम रखा गया था और समान छोटे ताजरों से गुजारिश करता हूं कि वो आप जो है ना यहाँ आए मेंबर बने और जो है ना आप लोन के लिए दरख्वास्त दें, जो कवानीन या जो रूल्स रेगुलेशंस है सहूलत की सोसाइटी के, उस सहूलत की सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोगों को ताउन दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, बिलासुदी लोन दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं इस मुल्क के अंदर जहाँ जो फाइनेंस कंपनियां हैं और बैंक्स हैं तो हजारों लाखों की तादाद में उनको जो है ना सिर्फ सूद देना पड़ता है और ये लोग जो है ना आपकी मेहनत का बहुत सारा हिस्सा जो है ना खा जा रहे हैं, यानी मतलब है कि आपका खून चूस रहे हैं ये लोग, फाइनेंस कंपनी आता आपका खून चूस रहे हैं। तो इससे आपको हमको बचाने की गरज से हम तो सिर्फ लीला काम कर रहे हैं, हमको कोई फायदा नहीं चाहिए एक रुपये की, हम सिर्फ चाय भी पीना है तो अपने पैसों से पियेंगे, लेकिन हम सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए ये काम करने के लिए उठे हैं। और मैं यहाँ की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना यहाँ हमारा तावन पेश करें, आपका तावन पेश करें ताकि यहाँ के गरीब आवाम जो मुस्लिम हिंदू जो भी रहते हैं यहाँ पर उन सबको जो ना इससे फायदा होता रहे और इस शहर के अंदर ये सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि ऐसे कई सोसाइटियाँ इंशाल्लाह हम कायम करेंगे, मुख्तलिफ महलों में भी हम इंशाल्लाह कायम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप आवाम का जो है ना यहाँ तावन हो। और हम चाहते हैं कि जो ना इसका अजर हमें सिर्फ अल्लाह ताला के पास आखिरत में मिले। अल्लाह से दुआ है कि इस सोसाइटी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मेंबर बनने के लिए हिदायत सेंटर में इसका जो है ना ऑफिस है, वहाँ आप लोगों को जो है ना जो भी मेंबर बन चाहते हैं वहाँ आए और वहाँ स्टाफ हमारा मौजूद रहेगा, सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मौजूद रहेगा, इस वक्त में जो है ना आकर उसको मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि आज का दिन गुलबर्गा में एक लैंडमार्क दिन माना जाएगा क्योंकि जमात इस्लामी हिंद शाह गुलबर्गा की जानिब से एक नया संग मेल तय करने जा रहा है, वो है सहूलत सौहार्द सहकार संघ लिमिटेड गुलबर्गा। सहूलत सोसाइटी यहाँ पर लोन खर्च जो है ना मुफ्त में बगैर किसी सूद के लिया जाएगा और जो लोग खासकर ठेला गाड़ी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, साइकिल रिक्शा वाले, औरतें जो घरों में काम करती हैं, लेबर क्लास के लोग जो काम करते हैं, जो सूद में मुब्तला हैं, आए दिन नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, खासकर संघ के मामले में हम लोग देख रहे हैं कई सालों से कि इसके ऊपर अच्छी नज़र रखते हुए जमात इस्लामी हिंद को मुबारकबाद देता हूं मैं कि बहुत अच्छा कदम उठाया और सही वक्त पे ये कदम उठाया उन्होंने, काबिल मुबारकबाद है, काबिल तहसीन है तमाम जिम्मेदार लोग। और मैं चाहता हूँ शहरियान गुलबर्गा खासकर वो लोग जो 50,000 के अंदर 1,00,000 के अंदर के जो कारोबार करते हैं उन्हें बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंस से मुब्तला हैं, प्राइवेट फाइनेंस वाले उनका खून चूस रहे हैं सूद के तौर पर। अभी सुनने में आया कि बहुत अच्छी बात हो रही थी कि 1,000 रुपया सुबह में लिए तो 900 रुपये देगा आपको मालिक, उसके बाद आपको फिर 1,000 रुपये लौटाना होंगे, तो 100 रुपये एक दिन के, 1,000 को 100 रुपये कितने परसेंट इंटरेस्ट हो आप कैलकुलेट कीजिए, आपके सामने हिसाब है। लिहाजा और हमारे पास ये, क्योंकि मैं भी ताजर घराने से हूँ, लकड़ी के कारोबार होते रहते हैं, मैं भी जमाने से देख रहा हूँ,
जब पैसे देते हैं 1,000 को 100 रुपये लेकर जाना, दूसरे दिन ला के देना 24 घंटे में, ये निज़ाम को भी ख़त्म करना होगा। लिहाजा मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम लोगों से, हिंदू हजरात से, मुसलमान हजरात से भी गुजारिश करता हूँ चैनल के जरिए कि ये जो बेंच कायम किया गया है आज हिदायत सेंटर में, यहाँ पर आकर अपने खिदमात दे भी और यहाँ से बिला सूदी लोन लेके फिर वापस करने की कोशिश करें। नेक नियति से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो सोसाइटी की सहूलत ये फैले फूले और शहर गुलबर्ग का नाम रोशन हो, इसके अंदर तमाम लोग फायदा उठाएंगे तो बड़ी मसरत की बात रहेगी कि वो दिन दूर नहीं। जैसा कि हम विदर्भ में देख रहे हैं, 1 साल में 73 करोड़ का उन्होंने काम लोन दिया, टर्नआउट है माशाल्लाह, काबिल मुबारकबाद है। और एक दफा मैं दिल के अमीर गहराइयों से जाकिर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया जमात इस्लामी वालों ने और यहाँ पर सहूलत सोसाइटी के नाम से जो कायम हुई, अभी इफ्तिताह भी हुआ कुछ देर पहले, उसका मुबारकबाद देता हूँ। और अवाम से फिर एक दफा गुजारिश करता हूँ कि इस सोसाइटी से आकर भरपूर फायदा उठाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जमात इस्लामी की जानिब से जो सहूलत सौहादरा सहकारा संघ की संघ बुनियाद रखी गई है, इसके लिए सबसे पहले मैं गुलबर्गा शाख की जमात इस्लामी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके अमीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत ही अच्छा इकदाम, जमाने कदीम से ये कहा जा रहा है कि संघ की जानिब से जो लोन दिए जाते हैं उसका गरीब तबके को बजाय फायदे होने के नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत सारे गलत मामलात में भी मुलविस होना पड़ रहा है मजबूरी के तहत, जिसका खामियाजा पूरे समाज को, खास करके जो हमारा मुस्लिम समाज है जिसमें जो गरीब गुरबा हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इससे बचाने के लिए एक इकदाम लिया गया है, इसके लिए जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। मैं अभी देख रहा हूँ कि इसके अंदर ना सिर्फ उनको कर्ज देने की बात की जा रही है बल्कि हर दिन उसको लौटाने का एक तरीक़ेकार भी बनाया गया है। 90 दिन में आप हर दिन वो जो आप कर्ज ले रहे हैं उसे वापस लौटाया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास जो रकम ज़्यादा है आपके पास उसका बजाय अपने मकानात में रखने के या बैंक्स में रखने के, दूसरों की ज़रूरियात को पूरे करने के लिए यहाँ पर आप सेविंग के तौर पर भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ और डेली डिपॉजिट का भी इकदाम रखा गया है। ताजिरों के लिए भी हर दिन कर्ज देने का और हर दिन वापस लौटाने का एक निज़ाम कायम किया गया है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, इनका जो भी मैं यहाँ पर जो ब्राउचर देख रहा हूँ कि इसमें खास करके उम्र के ताल्लुक से भी रखा गया है कि आप हर माह 5,000 रुपये या फिर हर दिन 200 से 300 रुपये जमा कर सकते हैं, फिर आपको उम्र जाने के लिए सहूलत भी दी जाएगी, आपको जो भी दुश्वारियाँ पेश आती हैं वो भी दूर की जाएंगी। ये तमाम तर जो इकदाम लिए गए हैं, एक उम्मत मुस्लिमा के एक फ़र्द होने की हैसियत से एक ऐसी जमात जो अपने काम को बखूबी अंजाम देने में यकीन भी रखती है और उस पर एतमाद भी किया जा सकता है, उसमें आप यकीनी तौर पर बहैसियत मेंबर इस सोसाइटी के बन जाएं और इसको ताकत भी दें। साथ ही साथ अवाम उन्नास जो इसका इस्तेफादा कर सकती है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बजाय दूसरे संघों में जहां पर आपका इस्तेसाल हो सकता है उनके पास जाने के, आप यहां पर आएं जहां पर आपकी हिम्मत अफजाई भी होगी, आपको परेशानियों से निजात भी हासिल हो जाएगी इस सोसाइटी से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तर लोग इस जो इरादा किया गया है, यहां पर जो एक अजम उठाया गया है, उसमें बखूबी उनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।